बच्चों को आपस में लड़ते हुए आपने कई बार देखा होगा, जिद में बच्चे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। बड़े और समझदार लोग की भी कई बार छोटी छोटी बातों पर आपस में झड़प हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट्स को लड़ते देखा है? आप सोच रहे होंगे कि पायलट जैसे इम्पोर्टेंट रोल को अदा करने वाले समझदार लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन बीते दिनों अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट में ऐसा ही कुछ हुआ। प्लेन में सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी। सिक्योरिटी चेक इन के बाद यात्री प्लेन में बोर्ड कर चुके थे। प्लेन के सारे इंजन चेक कर लिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्लेन को उड़ाने में 2 घंटे देरी हो गई। दरअसल इस प्लेन को उड़ाने को लेकर पायलट्स में बहस शुरू हो गई। प्लेन के पायलट और को पायलट के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अन्य स्टाफ को इसमें दखल देना पड़ा। लेकिन इस बहस की वजह से प्लेन रनवे पर 2 घंटे खड़ी रही और यात्रियों को अपनी यात्रा में 2 घंटे की देरी झेलनी पड़ी। इस घटना को लेकर अलास्का एयरलाइंस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये झगड़ा प्रोफेशनल था, इस वजह से फ्लाइट AS1080 को उड़ान भरने में देरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।